नमस्कार, मैं रंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में हुए घोटाले को लेकर बिजनौर बीएसए ने इस घोटाले को नकार दिया है। बिजनौर बीएसए महेश चंद का कहना है कि शासन द्वारा इस घोटाले की जांच कराई जा रही है। साथ ही जिले में 14 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं, जिनके खुलने के लिए 6 से 7 फरवरी के बीच में 2 महीने के खर्च के लिए 1,20,00,000 रुपए आए थे, जिसमें कि विभाग द्वारा जिले में बने 14 आवासीय बालिका विद्यालयों में कुल 74,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं। इन आवासीय बालिका विद्यालय में रहने वाली बच्चों के पठन पाठन की सामग्री और उनके अन्य सामानों के लिए इन धनराशि को बच्चों के स्कूल आने से पहले ही मंगलवार उनकी व्यवस्था करने के लिए खर्च किया गया था। स्कूल की बच्चियाँ करीब 16 से 17 मार्च तक स्कूल में रही थी। वहीं बालिका विद्यालय के वार्डनों द्वारा मिशन प्रेरणा पोर्टल पर प्रतिदिन प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट न करने के कारण यह समस्या आई है। जिले के बीएसए विभाग में कोई भी घोटाला नहीं हुआ। बिजनौर से तुषार वर्मा की एक खास रिपोर्ट। अभी आपने कुछ देखा ही नहीं भाई साहब? अच्छा, ये सामान किसके लिए आया है ये तो बता देंगे आप, जो आया है सर? सामान आया हुआ है यहाँ पर, मैंने नहीं, किसके लिए आया है? वेरिफिकेशन कर दिया मैंने। बिल्कुल सही है सर, आया किसके लिए? बच्चों के लिए आया है। तो बच्चे नहीं है, जब उड़ेगा तो क्या है सामान यहाँ पर? अच्छा, जब बच्चों के लिए आया है फिलहाल, तो यहाँ तो बच्चे हैं ही नहीं भाई साहब। बच्चे अब नहीं है तो स्कूल खुलेंगे, जब भी नहीं खुलेंगे तभी उनके लिए होगा सर। इस टाइम इतनी लॉकडाउन के इस टाइम पे जो सामान मंगाया गया है, जब बच्चे ही नहीं है। मार्च में आ गया है सामान। अच्छा, फरवरी में खुले हैं स्कूल। कल पढ़ तो कोई 2-4 दिन पहले कुछ नहीं आया है ना, 2-4 दिन पहले कुछ नहीं आया, ये मार्च में आया हुआ है। अच्छा ठीक है सर, है ना, बिल देख लिया मैंने, बिल में देखा हुआ है ना, मार्च में आया हुआ है। लगभग कितने का सामान आया भाई? 11 फरवरी से 24 खुली हुई थे, इसी की हमारी जांच हो रही है। है ना, कि ये सामान आया नहीं आया, बच्चे है नहीं है तो वो भी रिकॉर्ड में देखा गया था। अच्छा, है ना, यहाँ पर फंक्शन जो सर, कितने का सामान आया है लगभग? आपने बिल देखा, कितने का सामान आया? मैंने पूरे देखा नहीं है ना, अलग अलग बिल है सारे ना। अच्छा, मद अलग अलग है ना, भोजन का अलग है, स्टेशनरी का अलग है, कंटीजेंसी का अलग है। तो हमने तो सर आपसे ये सवाल किया था कि आप सिर्फ हमें सैनिटाइजर का बिल दिखा दीजिए, तो मैंने दिखाया ना 450। आपने क्वांटिटी नहीं दिखाई हमें, बिल का फोटो नहीं देना चाह रहे हैं आप? कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि वो नहीं दे रहा, बता तो रहा हूँ ना तुम्हें, मिली है तो बात पे तो मिली होगी। अच्छा, आज आप जो 495 का, आपकी बात ठीक है, उस पर क्या प्रिंट है, कितना स्टॉक है तो आप दिखाओगे हमें? अरे यार, 495 का आता, तुम ही तो कह रहे हो 500 रुपए का आता, 495 का लिया है। 495 5 लीटर का 495 रुपए का सैनिटाइजर लिया गया है। ठीक है, कौन सी कंपनी का है तो दिखाओ। अब ये अच्छा सर, आप आज जांच प्रक्रिया पे आए थे, किसी के किसी के आज आप किसी के ये आप ही बता रहे हैं, इनका मेडिकल स्टोर है, यही बता रहे हैं 500 रुपए का आता है, हमने तो यहाँ 495 के लिए किसी किस जांच किस जो आया पास जांच आए थे, किसकी सूचना पे आए थे, किसी शिकायत पे आए थे या क्या था? कस्तूरबा की जाँच हो रही है शासनीय स्तर से। ठीक है, फिलहाल आपने अभी जांच की कोई रिपोर्ट अभी नहीं? रिपोर्ट बनाऊंगा मैं, देखूंगा, चेक करूंगा, तो आप मेरे से बात कर लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है ना। आप क्या है यहाँ पर? क्या नाम है आपका? रितु जी, यहाँ पर जो स्कूल था आपका बालिका विद्यालय, काफी अरसे से बंद था और इसमें घोटाला हुआ बहुत बड़ा, कोई जिले में क्या कहना है इस बारे में? ये मेरा मैटर नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये घोटाले की बात गलत होती है। तो क्या है पूरा मामला, कब से आपका स्कूल खुला है, बच्चे कब से? नहीं बताइए ना, मेरा कोई मैटर नहीं है, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बेकार है, नॉर्मल अगर आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फरवरी 6 या 7 फरवरी में बजट आया था और 11 फरवरी को ये आदेश हुए थे 6 से 8 तक के स्कूल खोले जाए, उसमें तेजी भी पूछना ये आदेश निकाला गया, वार्ड लोग को आदेश दिया गया, वार्ड द्वारा बच्चों को बुलाया गया, हमारे जब तक के विद्यालय भी 6 से 8 तक के पूरे शिक्षण कार्य हुआ, तब के जी भी खुले, बच्चों को बुलाया गया, 15-20 तारीख तक बच्चे आए, वार्ड बुलाते हैं, फ़ोन करते गाड़ी फ़ोन करते हैं, अब इसको खुल गया जाइए, बच्चों को भी बेचैनी थी, स्कूल जाने की होती है बच्चों को, बच्चे आए और उनकी व्यवस्था तो हमें पहले करनी होती है, विभाग के आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं कि जब बच्ची रहेगी तो खाना पीना अन्य सामान सैनिटाइजर मास्क सब कुछ विभाग के निर्देश है। उसके ही क्रम में हमने जैम पोर्टल के माध्यम से विधिवत रूप से फर्म का चयन हुआ और बाढ़ की डिमांड पर ही खाद्य सामग्री अन्य आवश्यक वस्तुएँ बच्चियों को मिलती है, अंडरगारमेंट भी सब होते हैं बच्चियों को, वो सब फॉर्मेलिटी करके
सप्लाई हुआ उसका पेमेंट पीएमएस के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट होता दिया गया है। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।